नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय में बीते 25 अगस्त को बरहिया थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुल के समीप कीटनाशक लदे पिकअप वैन लूट मामले में बरहिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बरहिया पुलिस ने घटना में शामिल चार अपराधियों को घटना में इस्तेमाल किए गए स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मेहुस निवासी रोशन कुमार राम, पटना जिले के हथदा निवासी मिथिलेश राम, सूरज कुमार सिंह, वहीं लखीसराय सायर बीघा निवासी राजकुमार सिंह के रूप में की गई है। एएसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पिकअप वैन के चालक से मिली सूचना के बाद गाड़ी में लगे जीपीएस सिस्टम से पीछा किया गया तो अपराधियों ने शेखपुरा के अदौली गांव के समीप पिकअप वैन छोड़कर फरार हो गए। एएसपी ने बताया कि घटना के दिन सभी अपराधकर्मी स्कॉर्पियो पर सवार होकर किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे। इसी दौरान पिकअप वैन लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि बीते 23 सितंबर 2020 को भी पटना से पूर्णिया जा रही कीटनाशक लदी पिकअप वैन को हथियारबंद अपराधियों ने लूट लिया था। घटना को अंजाम बरहिया थाना क्षेत्र के NH80 पर दरियापुर के पास दिया गया, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने महज कुछ घंटे में कीटनाशक को बरामद कर लिया। इस दौरान घटना में शामिल एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया था। सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं लखीसराय के SP सैयद इमरान मसूद। 25 तारीख की घटना है, सुबह करीब 3 बजे ये जो बालगुदर है, हमारा जो हाईवे है, वहीं पे एक स्कॉर्पियो ने एक गाड़ी को पिकअप को ओवरटेक किया। रात के 3 बज रहे थे, पिकअप ओवरटेक करके उसमें कुछ हथियार के साथ जो आरोपी थे उसने उतर करके ड्राइवर को अपने कब्जे में लिया और उसकी जो लूटी जो पिकअप थी वो लूट ली गई। पिकअप में कीटनाशक दवा थी और भी कुछ सामान था। उसके बाद जो है पुलिस को तुरंत सूचना मिली तो थाना प्रभारी बढ़िया ने जो है तुरंत एक्शन लिया और एक्शन ले करके उस गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी में संयोग से GPS लगा हुआ था तो उसी का हम लोगों को उस सिग्नल मिल रहा था। सिग्नल मिलते मिलते हम लोग उसने गाड़ी का पीछा किया। पीछा करके हमने पहले तो जो लूटी गई पिकअप थी उसको बरामद किया गया, शेखपुरा ज़िला से बरामद किया गया। उसी के साथ जो उस पर लोड माल था उसको उतार लिया गया था, उसको भी बगल के एरिया से बरामद किया गया। उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम भी इस पर काम कर रही थी और टेक्निकल टीम की मदद से और उसके बाद हमारा जो मानवीय सूत्र है उसकी मदद से इसमें 4 लोगों की हमने अरेस्टिंग की है। जो अरेस्ट किए गए व्यक्ति हैं उसमें से 2 हाथीदा के हैं, एक जो है शेखपुरा का रहने वाला है और एक वीरूपुर थाना अंतर्गत का रहने वाला है। इसमें हम लोगों ने जो घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया गया है। ये अपराधियों में सब नाम क्या है? इसमें आपको प्रेस ब्रीफ मिल जाएगा, एक रोशन है, सूरज है, मिथिलेश है और एक राजकुमार है। स्कॉर्पियो कहाँ से बरामद हुआ? इसमें स्कॉर्पियो एक व्यक्ति जिसका नाम हथीदा से है, उसका अपराधी का नाम क्या है? सूरज कुमार की स्कॉर्पियो है। इससे पूछताछ में मालूम पड़ा कि ये इसने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी जिसका वेस्ट बंगाल नंबर था और यही इसको जो प्लानिंग हुई थी तो उसमें इसको बोला गया था कि आप स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करना है, स्कॉर्पियो को लेके आना है, तो इसने अपनी स्कॉर्पियो इस्तेमाल की थी और PO पे ये भी मौजूद था। इन लोगों का हम लोगों ने पूछताछ में हम लोगों इनसे सवाल किया कि क्या उसी पर्टिकुलर गाड़ी को ही लूटना था या राह चलते किसी भी गाड़ी को लूटना था, तो अब तक के अनुसंधान में जो बात सामने आई है उसमें यही है कि इन लोगों का प्लान कोई निर्धारित नहीं था। इनका था कि कोई भी हमको को पिकअप उस तरह से लगेगी जिसको लूटा जा सकता है तो उसको हमको लूटना है, तो वैसे ही इन्होंने चिन्हित किया चलते चलते और उसको ओवरटेक करके लूटा गया। ये रैंडम लूट है? हाँ, पहले से प्लान नहीं? नहीं, पहले से प्लान नहीं है। इसमें जो है जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका आपराधिक इतिहास है, उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। हालांकि इस एरिया में एक्टिव नहीं थे लेकिन इस बार इस एरिया में इन्होंने घटना करा और घटना के तुरंत बाद हम लोगों ने उद्भेदन करते हुए इसमें जो है हमारा जो थाना प्रभारी है बढ़िया के जो चार्ज में है कौशिक, उनका बहुत सराहनीय रोल है। इसके अलावा जो थाना बढ़िया थाना के और स्टाफ जो हैं उनका सराहनीय रोल है। इसके अलावा जो हमारी टेक्निकल टीम है उसका भी बहुत अच्छा रोल है। ये बड़ी क्योंकि हाँ, इसमें जो है इन लोगों का उद्देश्य था कि किसी भी तरह से कोई भी गाड़ी मिले जिससे हम लूट सकें, उसको फिर बाद में बेचते, बाद में उससे पैसा और कमाते या और अपराध में इस्तेमाल करते उस चीज़ को। लेकिन जिस तरह से इन्होंने लूटा फिर उसमें कीटनाशक मिला तो उसके बाद का इनका प्लान जो है उसको आगे बेचना था और गाड़ी का भी ये लोग उसको बेचते, पर उससे पहले ही जो है पुलिस ने उद्भेदन करते हुए इनकी अरेस्टिंग कर ली है। हथियार बरामद अभी नहीं हुआ है? हथियार का इस्तेमाल किया गया है? हथियार चला नहीं है लेकिन हथियार का भय दिखा करके इसमें गाड़ी को लूटा गया है। ये चारों पहली दफा लखीसराय में?
इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो हम लोग खंगाल रहे हैं, लेकिन इस एरिया में इनका अभी पहले घटना है।